रखी है दोस्तों इसको ना हम बेसन में, देखिए इसको मिला दिए बेसन में ना, थोड़ा सा मसाला डाल करके मैंने मिला दिया इसको। अब इसको देखिए मैंने यहाँ फ्राई कर रहे हैं हम इसको, ये क्या बोलते हैं स्क्वायर चाप को, इसी तरह से इसको बनाएंगे हम फ्राई करके। देखिए इस तरह से ना फ्राई करके और बनाएंगे हम स्क्वायर चाप को, और क्या बोलते हैं ना ये, फिर ना इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे ना मसाले फ्राई करके, तब आपको हम दिखाएंगे। और ये देखिए इसी तरह से मैंने पहले बेसन में इसको फोल्ड किया है, मतलब पूरा मिला दिया इसको, मिक्स कर दिया बेसन के अंदर और मसाले में, फिर इसको मैंने फ्राई कर दिया। आप भी इसी तरह से करना, देखना अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा।